ये पार्ट टू है मार्केट साइकिल एनालिसिस का। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा पहले पार्ट वन देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा वीडियो का या आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और चलिए बात कर लेते हैं हम लोग इस वीडियो में क्या क्या सीखने वाले। तो इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, एक्यूमुलेशन क्या होता है, मार्केट ऊपर कैसे जाता है, मार्केट नीचे कैसे आता है, वैल्यू बाइंग कहाँ करें, सही स्टॉक कैसे पहचाने वैल्यू बाइंग के लिए, सही जगह क्या होता है वैल्यू बाइंग का। तो ये सब कुछ हम लोग जानने वाले इस वीडियो में। सो अगर आप चैनल पर न्यू हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक कर दो एंड वीडियो को इन्जॉय करो। और हाँ, बता देना इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए कि नहीं चाहिए। सो गाइस, चलिए बात कर लेते हैं एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो गाइस है ना, ये मार्केट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जस्ट बिकॉज विदाउट एक्यूमुलेशन मार्केट ऊपर नहीं जा सकता और विदाउट डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट नीचे नहीं गिर सकता है। सो एक्यूमुलेशन अप ट्रेंड के लिए जरूरी होता है एंड डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट को नीचे गिराने के लिए जरूरी होता है। तो समझ गए होगे एक्यूमुलेशन किस काम का आता है और डिस्ट्रीब्यूशन किस लिए होता है। सो सबसे पहले एक्यूमुलेशन फीस को पहचानने का पहला पॉइंट जो होता है ना गाइस, वो आपको दिखेगा मार्केट जो है ना एक साइडवेज रेंज में मूव करता रहेगा। आपको एक मार्केट साइडवेज रेंज में मूव करता दिखेगा और उस रेंज का ब्रेकआउट होगा, एक रिटेस्ट होगा, काइंड ऑफ रिटेस्ट, एंड उसके बाद एक अच्छा खासा रैली देखने को मिलेगा अपसाइड के लिए। ये हम लोग को एक्यूमुलेशन का क्राइटेरिया होता है, ठीक है, देखने को। अगर वही डिस्ट्रीब्यूशन का देखने को बोलूँ तो डिस्ट्रीब्यूशन एक अच्छा खासा अप ट्रेंड के बाद आपको मार्केट साइडवेज देखने को मिलेगा एंड इसका ब्रेक डाउन होगा, एक काइंड ऑफ रिटेस्ट भी हो सकता है अगर क्लियर ब्रेकडाउन हुआ तो, एंड उसके बाद एक अच्छा खासा डाउन साइड के लिए आपको रैली देखने को मिलेगा, ठीक है। इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। आपको समझ में आ गया होगा एक्यूमुलेशन क्यों जरूरी था और डिस्ट्रीब्यूशन क्यों जरूरी था। मार्केट में ये दोनों के बिना मार्केट चलेगा नहीं। मार्केट में जो चार चीज एलिमेंट होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कोई भी मार्केट को नीचे से ऊपर ले जाने में और ऊपर से नीचे गिराने में। सो देखो, एक्यूमुलेशन हुआ यहाँ पर, इसके बाद अपसाइड के लिए रैली हुआ, यहाँ पर फिर से मार्केट टॉप पे जाके टॉप बना लिया, साइडवेज हो गया एंड यहाँ से नीचे गिरा, यहाँ से रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ, फिर नीचे गिरा, फिर यहाँ से एक्यूमुलेशन होगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पर रीएक्यूमुलेशन, फिर अगेन ऊपर एंड डिस्ट्रीब्यूशन डाउन। सो अगर आप ये स्टेज को पहचान लेते हो मार्केट का या कोई भी स्टॉक का जहाँ से वो एक्यूमुलेट हो रहा है, जहाँ से इसको अपसाइड जाने का रैली मिल सकता है, तो आप एकदम वैल्यू बाइंग कर सकते हो। जैसे कि मान के चलो, एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, टाटा का कोई स्टॉक है, ठीक है, अभी आप देख रहे होगे वो मान के चलो एग्जांपल में 100 से 110 के रेंज में मूव कर रहा है, ऐसे 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 कर रहा है, ठीक है, एक रेंज बन चुका है। बट ठीक है, जैसे इस रेंज का ब्रेकआउट होता है एंड, तो आपको यहाँ पर एंट्री बनाना है क्योंकि वैल्यू बाइंग होगा, क्योंकि आप सही जगह पर बाई कर रहे हो। अगर इसका ब्रेकआउट जेन्युइन हुआ ना गाइस, तो ये स्टॉक विद इन कुछ डेज और वीक 200 के अराउंड भी जा सकता है, आपका पैसा डबल भी हो सकता है अगर आपने एक्यूमुलेशन सही जगह पकड़ लिया। और वहीं अगर अपना ट्रेड को बचाना चाहते हो, सही जगह पर एग्जिट कब करें, जब मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन फीस बना रहा हो। अगर आपने ये पहचान लिया ना, मार्केट एक अच्छा खासा रैली के बाद टॉप बनाने लग गया और यहां से गिरने का हो सकता है प्रोबेबिलिटी, वहां पर आप एग्जिट कर जाओ या वहां से आप शॉर्ट का पोजीशन ले लो कि नीचे साइड गिरे तो पैसा बने अपन का, समझे। यही होता है एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए चार्ट में देख लेते हैं एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन होता कैसे है, ठीक है, जिससे कि आपको बेटर आइडिया मिल जाए। तो देख सकते हो, जैसे कि मैं एक निफ्टी के चार्ट में आपको दिखा देता हूँ। देखो, कोई भी मार्केट को सही जगह पर खरीदने का जो होता है ना, वो एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन से पता करता है। जैसे कि मान के चलो, यहाँ पर सही प्राइसिंग नहीं हुआ मार्केट, इसलिए मार्केट नीचे गिरा, एंड जब यहाँ पर सही प्राइसिंग आ गया, यहाँ हो क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ मैं डी और ए लिखूंगा। जैसे कि यहाँ पर देखो एक्यूमुलेशन हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो, आपको देखोगा दिखेगा आपको यहाँ पर क्लियर ब्रेकडाउन हुआ है, ब्रेकआउट हुआ है मार्केट का। देखो, एक्यूमुलेट किया, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ एंड देखो ऊपर, एंड अगेन यहाँ से एक साइडवेज मार्केट, एक साइडवेज रेंज। यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ चार्ट को, आपको क्लियर हो सके, मे बी दिखे। एंड देखो अगेन निफ्टी का चार्ट है गाइस, ठीक है। देखो, यहाँ से एक अच्छा खासा अप रैली मिला एंड यहाँ से फिर से यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, मार्केट नीचे गिर गया। यहाँ से अगर एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के पास अब सही जगह पे पता कर लिया, तो अच्छा खासा प्रॉफिट बन सकता है। एंड अगेन यहाँ पर देखो, थोड़ा देर मार्केट साइडवेज एंड यहाँ से एक ब्रेकआउट, एंड देखो कितना हाई, कुछ दिनों का साइडवेज रेंज, एक्यूमुलेट हुआ मार्केट यहाँ से एंड अपसाइड के रैली, फिर यहाँ से डाउन साइड। एक अप ट्रेंड में मैंने बता रखा है, बहुत सारा अप्स एंड डाउन आता है एक अप ट्रेंड में, तो वो यही चीज़ है, यहाँ से अप डाउन। बट देखो, एक्यूमुलेशन हो रहा, बार बार एक्यूमुलेट कर रहा, प्राइस ऊपर जा रहा है, देख रहे हो। यही चीज़ को बस मार्केट वगैरह आप सही जगह पर सही टाइम पर पता लगा लिया ना गाइस, बहुत पैसा बन सकता है। देखो अगेन, यहाँ से आया, यहाँ पर एक साइडवेज मार्केट का रेंज रहा, यहाँ से ब्रेकआउट एंड अप साइड के लिए रैली। देखो, फिर यहाँ पर आया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया और एक कोविड का टाइम भी था, नीचे गिर गया मार्केट, देख रहे हो अगेन। और देखो,
यहाँ आया, एक्यूमुलेट किया प्राइस, थोड़ा देर रुका कुछ टाइम, फिर यहाँ से ब्रेकआउट मिला, एक अप साइड के लिए, कितना स्पीड मोमेंटम देखो गाइस। ये होता है एक सही अप ट्रेंड में एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड कर। और अभी देखो करंट निफ्टी का, देखो इतना दिन का मार्केट साइडवेज रेंज, इसका ब्रेकआउट हुआ और देखो कितना स्पीड अपसाइड के लिए रैली। और ये मे बी अभी रैली कंटिन्यू हो सकता है अगर ये सही से एक्यूमुलेट हुआ प्राइस। तो अगर आपको और एग्जांपल दिखाओ तो मैं जैसे देख सकते हो आप, जैसे कि देखो अभी करंट ही हम लोग को देखो कितना बड़ी यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हुआ मार्केट, यहाँ से गिरा एंड यहाँ से एक्यूमुलेट हो रहा है एंड यहाँ से ब्रेकआउट देखने को मिला है और यहाँ से देखो अप ट्रेंड के लिए रेडी हो रहा मार्केट। यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ प्राइस नीचे, देख रहे हो। यही चीज़ को अगर सही टाइम पे आप सही स्टॉक पे फाइंड आउट कर लिए ना, देखो कितना तगड़ा ये क्या है ये बता दो मेरे को, एक्यूमुलेशन। यस, यहाँ से अपसाइड डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट नीचे, समझ रहे हो। इतना ईजी है भाई, इतना ईजी है। सही टाइम पे अगर सही स्टॉक में लगा लिया ना आपने, जैसे कि आपको मैंने अभी अडानी रिंग दिखा दिया, ये कोई सजेशन नहीं है, जस्ट आपको एग्जांपल मैं शो कर रहा हूँ। जैसे कि रिलायंस कहीं देख लो आप, ठीक है, अगर रिलायंस कहीं देखना आपको तो रिलायंस का भी देख सकते हो आप। रिलायंस इंडस्ट्री खोल के दिखाता हूँ मैं, देखो कितना बढ़िया अभी डिस्ट्रीब्यूशन एक्यूमुलेट कर रहा प्राइस, देख रहे हो। आया साइडवेज रेंज एंड यहाँ से ब्रेकआउट करने के लिए रेडी, एकदम रेडी। अगर यहाँ से ब्रेकआउट देखने को मिलता है ना गाइस, ये 2526 वाला प्राइस कुछ दिन में 3000 के पास ही पहुँच सकता है। सोच रहे हो इतना स्पीड मोमेंटम मिलता है अगर सही से एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो। यही वैल्यू बाइंग का होता है, समझे। जितना भी बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं ना, यही चीज़ को देखते सही जगह पर कब खरीदा जाए, ऐसे एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पता करो। एंड देखो कितना यहाँ पर सही, यहाँ पर देखो अगेन यहाँ से एक्यूमुलेट होता है, यहाँ गया एक साइडवेज रेंज, फिर से यहाँ से अप ट्रेंड के लिए, यहाँ देखो अपसाइड, देख रहे हो, यहाँ देखो अपसाइड। इतना ईजी होता है, एक्यूमुलेशन फेस खोजो, कोई भी मार्केट एक्यूमुलेशन खोजो, वहाँ पैसा लगाओ, वहाँ से अगर ऊपर गया पैसा डबल। एंड डिस्ट्रीब्यूशन खोजो, वहाँ से शॉर्ट कर दो, शॉर्ट के लिए पैसा नहीं है तो वहाँ से एग्जिट कर जाओ मार्केट से, पोजिशन ज़्यादा देर लॉन्ग मत रखो, ठीक है, समझ रहे हो। अगर आपको और एग्जाम्पल दिखाया जाए तो टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स का स्टॉक, ये होता है गाइज वैल्यू बाइंग करने का तरीका, समझे। और सही टाइम पे सही स्टॉक पे पैसा लगाने का, क्योंकि आपके पास जो भी पैसा है वो ग्रो करना चाहिए, यानी कि पैसा डाल के रखा हुआ है तो बस डाल के रखा हुआ है, देख रहो। तो मेरी मानो तो एक्यूमुलेशन फेज पे पैसा लगाओ, डिस्ट्रीब्यूशन से निकाल लो, समझे। देखो अपसाइड रैली डाउन एंड अगेन अप, एक्यूमुलेशन नीचे साइडवेज रेंज, यहाँ से अगर ब्रेकआउट हुआ तो जरूर ऊपर गया होगा, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ अभी आगे करके चार्ट को। देखो ब्रेकआउट हुआ ऊपर गया, फिर से अगेन आपको बात किया जाए, देखो अगेन यहाँ पर क्या हुआ कमेंट करके बता दो। यहाँ से अपसाइड एंड यहाँ से डाउन, ये कौन सा फेज है दोनों मेरे को बताओ कमेंट करके। एंड अगेन यहाँ पर एक्यूमुलेशन एंड मार्केट गोज अप, अगेन डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट गोज डाउन, समझे। इतना ईजी होता है, बस सही टाइम पे सही जगह पे फाइंड आउट करोगे ना, इजीली पैसा बनेगा। देखो कितना सही है, साइडवेज रेंज मार्केट ब्रेकआउट किया एंड अपसाइड, साइडवेज रेंज मार्केट ब्रेक डाउन किया एंड डाउन साइड, साइडवेज अप, समझ रहे हो। ये चार चीज़ फाइंड कर लिया ना आपने सही टाइम पे, एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रेंड्स अप हो या डाउन, समझे, इजीली पैसा बन सकते हो, इजीली, कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये चीज़ पे ध्यान रखो, ब्रेक डाउन हो रहा है कि ब्रेकआउट हो रहा है, बस पैसा ऊपर नीचे ऊपर नीचे, देख रहे हो कितना इजीली मूवमेंट, देखो कितना इजी। अभी करंट देखो, देख रहे हो टाटा मोटर्स का स्टॉक है गाइस, साइडवेज मार्केट, आपको लाइव एग्जांपल देखो ना, ब्रेकआउट हुआ काइंड ऑफ रिटेस इसको छोटा सा एंड अपसाइड की रैली। सोच रहो जो कि मार्केट का रेंज अप्रॉक्स 480 से 280 से 480 का रेंज में था, अभी मार्केट कुछ दिन के अंदर ही 750 पहुंच गया अप्रॉक्स। सोच रहे हो, ये होता फ़ायदा सही टाइम पे खोजने का। सो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आप चाहते हो इसके पार्ट टू पार्ट थ्री बनाने के लिए तो आप कमेंट करके बता सकते हो, ऐसा बहुत सारे एग्जांपल्स आपको स्टॉक भी सजेशन मिल सकता है। सो कमेंट करना और वीडियो को लाइक कर देना।